subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिसे हम आम भाषा में बच्चों के दांतों में कैविटी बनना या कीड़ा लगना भी बोल सकते हैं। नर्सिंग बॉटल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मेनली ये 2 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि 2 से 5 साल के बच्चों की जो फीडिंग हो रही होती है वो बॉटल के थ्रू हो रही होती है। तो बॉटल में शुगर या जो शुगर होता है वो नेचुरल के साथ साथ एडिड भी होता है, क्योंकि उसमें मिल्क या जूस प्रेजेंट होता है। तो जो वो जूस और मिल्क अगर लंबे टाइम तक टूथ के कॉन्टेक्ट में रहता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया की एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे धीरे धीरे वहाँ पे बैक्टीरिया अपना एक्शन करते हैं और वो टूथ को डीमिनरलाइज कर देते हैं, जिससे वहाँ पे कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। ये हमें सबसे कॉमनली ऊपर वाले जो दांत हैं फ्रंट वाले उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ये हल्के पीले या भूरे रंग के गड्ढे के रूप में हमें नजर आते हैं। इससे दांतों में सेंसिटिविटी भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है। तो अब पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये तो दूध के दांत हैं, गिर भी जाने हैं, तो इनको बचाने का क्या बेनिफिट है। बच्चों के दूध के दांतों को बचाना उतना ही जरूरी है जितना ही परमानेंट दांत को बचाना होता है, क्योंकि जो दूध के दांत है वो परमानेंट दांतों को एक मैकेनिज्म, गाइडेड मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर अपनी पोजीशन में आए। अगर दूध के दांत जन्म से किसी भी कैविटी की वजह से या फिर फ्रैक्चर होने की वजह से अगर वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, या हमें किसी भी कंडीशन की वजह से उन दांतों को निकालना पड़ता है, तो नीचे जो परमानेंट टीथ बन रहे होते हैं वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं और जो उनकी डायरेक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो परमानेंट टीथ बनती है वो टेढ़े मेढ़े आते हैं। फिर हमें बाद में 12 से 13 की साल उम्र में हमें उसका तारों वाला इलाज करवाना पड़ता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो जो बोतल फीडिंग हो रही होती है उसको हमें अवॉइड करना है। बोतल की बजाय हमें चम्मच से फीड करवाना होता है, हम ग्लास से फीड करवा सकते हैं। कोई भी जैसे फीडिंग कंटेंट है उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। और अगर आपको लगता है, अगर पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के दांतों में हल्का पीला या भूरा रंग का गड्ढा बनना स्टार्ट हो गया है, तो वो किसी भी नियर बाई डेंटिस्ट से सलाह ले सकते हैं। और जैसे ही बच्चों के मुंह में पहला दांत आ जाता है तो उनको पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो उसी टाइम से बच्चों में ब्रश करने की हैबिट डालें, बच्चों को सिखाएं कि कैसे ब्रश करना है, या फिर पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं, वो 2 टाइम्स ब्रशिंग कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग विद डॉक्टर सचिन मित्तल, एडवांस्ड डेंटिस्ट्री।